अलीगढ़ की सबसे मशहूर चीज, सबसे मशहूर चीज इस पर भीड़ लगाकर यहाँ पर बिकते हैं बरूले। अरे है क्या बात है, कोई फ्राई वाला बेसन सारे मसाले लगा देते हैं। अलीगढ़ में हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की मुहिम हमारी जारी है। इस मुहिम में नए नए जायके नए नए स्वाद देते हैं। भाई साहब एक ऐसी चीज लाया हूँ, सिर्फ अलीगढ़ में ही मिलती है, और वो क्या खास चीज है देखिए, छोटा सा ये ठेला है, इस पर भीड़ लगाकर यहाँ पर बिकते हैं बरूले। आलू के बरूले होते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बेबी पोटैटो होते हैं उनके बनाए जाते हैं बरूले। और आसिफ भाई यहाँ पर मौजूद है, कैसे हैं आप? ये लड़ा बढ़िया है। ये क्या खास बना रहे हैं आप, ये जो छोटे छोटे बरूले कर रहे हैं, ये क्या आइडिया है, क्या चीज? आलू के आलू हैं, बरूले बोलते हैं इन्हें। अलीगढ़ की सबसे मशहूर चीज, सबसे मशहूर चीज जी, अलीगढ़ मतलब? की सबसे ज्यादा मशहूर चीज यही है, अलीगढ़ के सिवा और कहीं मिलती नहीं है ये अलीगढ़ की सबसे ज्यादा मशहूर है जी जी जी। और अलीगढ़ के अलावा मिलती नहीं है कहीं, कहीं नहीं मिलती है, मैंने तो खैर कहीं देखी नहीं है इसे। तो ये कहाँ से आइडिया है आपको? बस ऐसे ही दिमाग से सोच के कर लिया। दिमाग सोच के कर लिया जी। तो ये क्या खास किस्म के आलू होते हैं क्या? जी जी जी। क्या ये मंडी से लेके आए जाते हैं आलू? क्या बोलते हैं इन आलू को? बरूले वाले आलू बोलते बस मंडी, बरूले वाले आलू बोलते हैं। और ये फ्राई वाला मसाला लगा दिया आपने? जी जी, हाँ, फ्राई वाला मसाला, चिकन फ्राई वाला जी। अरे भाई साहब, तो छोटे वाले आलू के ऊपर बेबी पोटैटो के ऊपर चिकन फ्राई का मसाला लगाकर उसे बोल दिया बरूले। जी जी। तो ये नाम कैसे पता बरूले? बस ये आ गया ऐसे ही नाम। अरे वाह, कितना टाइम हो गया बेचते हुए आपको? मैं तो मैम 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए बेचते हुए। कहाँ से हैं आप? नहीं, अलीगढ़ से। अच्छा, ये कहाँ पे ठेला लगाते हैं, एड्रेस बताइए। ये चैंपियन मार्केट पे लगाते हैं। चैंपियन मार्केट, शमशाद बोलते हैं? हाँ, समरा मार्केट। शमशाद मार्केट, समरा मार्केट पीछे हो जाती है, आगे आके चैंपियन मार्केट। चैंपियन मार्केट, चैंपियन मार्केट के सामने लगाते हैं। शमशाद मार्केट से आगे चैंपियन मार्केट है। टाइम क्या होता है? जो 6 बजे से 9:30 तक, 6 बजे से लगाते हैं 9:30 बजे तक। इसके बाद भी मिलते हैं कहीं पर? फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चुंगी है, फिर वहाँ लगाते हैं। उसके बाद चुंगी पहुँच जाते हैं आप। वहाँ रात में कब तक लगाते हैं? वहाँ 10 बजे तक। 10 बजे तक लगाते हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब छोटा सा इनका ठेला है, लेकिन स्वाद जबरदस्त होता है भाई साहब। लाइने लगाकर लोग यहाँ पर लेते हैं, जबरदस्त जायका, जबरदस्त स्वाद। तो जरा दिखाएंगे? ये बेसन होता है। अच्छा, ये बेसन होता है इसके अंदर? पहले आलू को धोया जाता है, फिर उसको बॉईल कराया जाता है। कोई फ्राई वाला बेसन? जी जी। सारे मसाले लगा देते हैं? मसाले लगाने के बाद में उसको आलू को लपेटते हैं। अच्छा ठीक है, इसे रख देते हैं, फिर इसमें तलाया जाता है। अच्छा ठीक है, तेल में। फिर उसके बाद में फ्राई होने के बाद में डबल सेक के, डबल सेक के मसाला डाल के चटनी लगा देते हैं। स्वाद आता है बेहतरीन, बेहतरीन स्वाद आता है। पक्की बात है, पक्की बात, बेहतरीन स्वाद आता है। जी जी जी। बेहतरीन भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो जरा बना के दिखाएंगे आप? अरे है क्या बात है भाई साहब, गरम गरम बहुत बढ़िया। तो भाई साहब देखिए, शानदार जो है गरम गरम कढ़ाई में भाई ने डाल दिए हैं यहाँ पर बरूले। अब बात है भाई साहब, देखते के साथ ही स्वाद आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये हाफ डन हो गया जी, अभी से एक बार और करेंगे आप? जी जी। बहुत बढ़िया। रेट क्या होता है इसका, रेट क्या होता है? ये है 25 का 250 ग्राम। 25 रुपए का 250 ग्राम, यानी 100 रुपए किलो। जी जी, बहुत बढ़िया। तो आप हमें एक प्लेट खिलाएंगे? जी भाई। तो एक प्लेट कितने की होती है? ये एक प्लेट 20 की है। 20 रुपए। इनका भाई का यहाँ पर क्या बात है भाई साहब, बेहतरीन बेहतरीन। ये आप इसको क्या मतलब कुचल क्यों दे रहे हैं? ये कहार हो जाता है पिज्जा के बाद में। अच्छा, स्वाद आता है इसका? जी, बहुत बढ़िया। अरे अरे क्या बात है भाई साहब, बेहतरीन। 12 महीने बेचते हैं आप इसे? जी। सर्दी गर्मी बरसात? गर्मियों में 2 महीने नहीं बेचते, 2-2.5 महीने से। कब कब नहीं बेचते? ये इससे पहले जो महीने पड़ते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल मैंने आइसक्रीम बेची थी, अभी 2 महीने करीब हुए लगा। अच्छा, 2 महीने बंद थी ये? बरसात में चालू कर देते, बरसात में चालू कर देते हैं। अब कब तक बेचेंगे आप इसे? अभी से सर्दियों तक। सर्दियों तक बेचेंगे? सर्दियों में तो बहुत बिकता होगा। लास्ट तक गरम गरम? जी जी। इतना शानदार तरीके से भाई यहाँ पर बना रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है भाई साहब, स्वाद आ रहा है भाई साहब, बेहतरीन खुशबू बन रही है ना, जो एरोमा बन रहा है वो जबरदस्त बन रहा है भाई, बहुत बढ़िया। और हम कहाँ पर हैं? हम अलीगढ़ में हैं। अलीगढ़ में हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की मुहिम हमारी जारी है। इस मुहिम में रोज नए नए जायके नए नए स्वाद देते हैं, और इस तरह के जो छोटे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनको बढ़ावा देने की हमारी मुहिम चल रही है, उनके स्वाद को देश और दुनिया तक पहुंचाने की हमारी मुहिम चल रही है। अलीगढ़ में हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास है, हम देश और दुनिया का जाना माना विश्वविद्यालय एएमयू के पास है हम। भाई साहब देखिए यहाँ पर बना रहे हैं आसिफ भाई, बहुत बढ़िया। तो ये रेडी होगा आसिफ भाई? जी जी, ये है मसाला। अच्छा, मसाला डाल दिया इसके अंदर, बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह क्या बात है भाई साहब, स्टाइल ही अलग है भाई का।
और भी कुछ डालते हैं इसमें? ये चटनी अलग से मिलेगी। अच्छा अलग से मिलेगी, अरे भाई साहब। तो भाई साहब ये आ गए हैं गर्मा गर्म बरूले, आलू के बरूले, बेबी पटाटो के बरूले बोलते हैं, बहुत बढ़िया। और ये चटनी आ गई, बहुत बढ़िया। चटनी खुद बनाते हैं या? जी जी, हरी मिर्च, हरा धनिया, पालक अदरक। अरे भाई साहब क्या स्वाद और जायका कैसा है बताऊंगा, सिर्फ 20 रुपए में ये स्वाद है भाई साहब, बरूलों का स्वाद है। मैंने बहुत जगह पर हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की कंपेन चलाई है, मुझे कहीं पर भी ये चीज नहीं मिली है भाई साहब। पहली बार मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अलीगढ़ में, इस चीज का स्वाद ले रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए ये पटाटो है, आलू है, कितना शानदार तरीके से फ्राई हुआ हुआ ये आलू है गरम गरम। और इसको मैं यहाँ पर इस चटनी में डिप कर लूंगा, क्योंकि ये ठंडी चटनी है और गरम आलू है। इसका असली मजा खाने का अब आएगा है। अरे भाई साहब चटनी बड़ी तेज है भाई, बहुत बढ़िया। ओहो धुआंधार, बहुत बढ़िया और हेल्दी भी है ये, पूरा प्रोटीन से भरा हुआ है भाई साहब। 20 रुपए में पूरे पैसे वसूल हैं भाई, बहुत बढ़िया। बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया आसिफ भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब मजा आ गया, पूरा पैसा वसूल। हमारी हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की मुहिम में आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।